जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, आपण मानू आपण मान प्रिय चैनल कथा सरितार नीति कथा उपर आधारित एक नूतन अध्याय को स्वागत। सुधी सज्जन वृंद, संत कबीर नामकरण पर निरीह निमा संत कबीर को निज घर को नहीं रखिले। मात्र से मैंने आश्चर्य होते जे शिशु कबीर तांको घरे किछि खाई नथिले, मध्य संपूर्ण सुस्थ थिले। एणु निरु निमा कौन से उपाय न पाई बाध्य होई स्वामी रामानंद को साक्षात करी एही आश्चर्य कथा कहिले। से ध्यान रे बसी कहिले जे गोटिए माई बाछुरी को कबीर का सामना रख, देखिब शिशु कबीर निश्चय से ही माई बाछुरी क्षीर को पान करिवे। सुधि सज्जन वृंद, माई बाछुरी केबे क्षीर दिए कि यह थिला आश्चर्य। से ही माई बाछुरी टी कबीर को देखा मात्रे आपे ही आपे क्षीर स्रवि आसला। सतकु सत कबीर ताहार क्षीर को पान कले। सेबेठारु शिशु कबीर केवल उक्त बाछुरी ठारु दुग्धपान करने को लगिले। तेबे श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, ये तो थिला कबीर जीवन किय दंश। तेबे आसंतु आमे एही वीडियो रे संत कबीरदास एक मूल्यवान बाणी को आमे माने आलोचना पूर्वक श्रवण करिबा, जहां आम दैनंदिन व्यवहारिक जीवन रे निश्चय काम लगे पारिबा। तबे आसंतु सुनिबा संत कबीरदास मूल्यवान दोहाटी को। पांच तत्व का पुतरा मानुष धरियाना, दीनाचारी के कारणे फिरी फिरी रुके ठाम। सुधि सज्जन वृंद, पांचटी तत्व क्षिति जल अग्नि आकाश पवन आउ एथिरे तयारी पितुलार नाम होचे मणिष। चारिदिनर जीवन ये पुनश्च ठिकणा जगार एपरी जमा बसीचि जे माननीय सर्वदा बसी रहिब। अर्थात ए मनुष्य नश्वर भोग साधन रे व्यस्त रही निजे निजुकु अमर बोली बुझिचि। प्रतिक्षण सृष्टिर समस्त पार्थिव अपार्थिव वस्तुरे आसक्ति रखी अलस विलास खेल कौतुक मौज मजलिस बुड़ी रहुचि। एही भोग्य वस्तुगुड़िक प्रतिक्षण ही मनुष्यर मन को लुहा को चुंबक टाणिला पर सर्वदा निज आड़ को ओटारुचि। जो कारण मुख्य स्थान आड़ को प्रवृत्ति करना और निरंतर 84 लक्ष जोनीर भौरी में पड़ जाऊँ। तेब श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, ये थिला ए अध्यायर कबीर बाणी। आशा करे ये बाणीटी आपण मानक निश्चय भल लगी। ये बाणीटी को यही विश्राम दौची। पुनः प्रतिश्रुति साक्षात हेब आउ गोटे उपादेय संत कबीर अमूल्य बाणी सहित आउ एक नूतन अध्याय रे। सेते बेले जाए विदा नौची। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।